गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा कहे जब ये गीत सुनते हैं तो क्या फीलिंग आती है, उस दृश्य को अगर इमर्ज करो तो क्या फीलिंग आती है एक गीत से। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये गीत सुनते कौन सा चित्र सामने आता है, बहुत अच्छा बाबा ने चित्र बनाया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि ये गीत कोई यहां का बनाया हुआ नहीं है। गीत जब सुनते हो तो समझते हो, क्या समझते हैं, कि बरोबर हमारा बाबा हमारा हाथ पकड़कर ले चलते हैं। ये सुंदर फीलिंग आती कि बाबा जैसे हाथ पकड़ थक गए हैं तो बाबा हाथ पकड़कर कह रहे हैं रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो बाबा हमारा हाथ पकड़कर ले चलते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं समझते हैं कि हाथ न पकड़ने से गिर न पड़े, इसलिए हाथ पकड़ लेते हैं। अभी वैसे तुम जानते हो घोर अंधियारा है, अंधेरे में तो ठोकर खा के गिरने की संभावना होती है, तो बाबा का हाथ पकड़ लेना है। ठोकरे ही ठोकरे खाते रहते हैं, बुद्धि भी कहती है एक बाबा ही है जो स्वर्ग की सच खंड की स्थापना करने वाला है। आज सारा दिन इसी चित्र को कि बाबा का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, इतनी खुशी होंगी देखेंगे। ऊंचे ते ऊंचा व सच्चा बाबा है, उनकी महिमा करनी होती है। बाबा कहे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, उसकी महिमा करनी होती है। क्यों करनी होती है बाबा की महिमा, क्यों करनी होती है? हाँ, बाबा की महिमा करने से क्या होगा? बाबा कहे औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए, जैसे किसी की ग्लानि करो और वो व्यक्ति का अगर हमें कुछ पता न हो और किसी ने ग्लानि सुना दी और वो व्यक्ति सामने आ जाए तो जैसे थोड़ा संभालेंगे अपने आप को कि इस व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहिए, पता नहीं कैसा है। और किसकी कोई महिमा करे, खूब महिमा करे, और जब वो व्यक्ति सामने आ जाए तो उसके प्रति न चाहते हुए भी प्यार स्नेह उत्पन्न होता है। तो बाबा भी कहे बाप की महिमा करनी चाहिए। क्यों महिमा करनी चाहिए? क्योंकि औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। बाप है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला अथवा हेवनली गॉड फादर, वही तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। हेवनली गॉड फादर माना हेवन स्थापन करने वाला। बरोबर हेवन स्थापन करते हैं, फिर हेवन का मालिक है श्री कृष्ण, वह हो गया हेवन रचने वाला और वह हो गया हेवन का प्रिंस। बाप जिसकी महिमा हम करते हैं वह हेवन का रचने वाला और वह हो गया हेवन का प्रिंस। रचता तो एक बाबा ही है, हेवनली प्रिंस बनना है। सिर्फ एक तो नहीं होगा, हेवनली प्रिंस एक तो नहीं होगा, आठ डिनास्टी गिनी जाती है
यह भी निश्चय है। बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाबा हेवन का रचयिता है और हम उस बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते हैं, पूरे करते हैं, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। अब हम फिर से श्रीमत पर चलकर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। हेवनली गॉड फादर आया है हेवन का प्रिंस बनाने, और उसके लिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं। जितना श्रीमत पर चलते उतना हेवन का प्रिंस बनते हैं। ये भूलने की बात नहीं है, अंदर में बड़ी खुशी रहनी चाहिए। इस बात की खुशी, हम हेवन का प्रिंस बन रहे हैं। आत्मा को अंदर खुशी होती है, आत्मा का दुख व सुख शकल पर आ जाता है। देवताओं की शकल कितनी हर्षित मुख है, जानते हैं वह स्वर्ग के मालिक थे। समझाने के लिए बाबा बोर्ड आदि बनवा रहे हैं। हेवनली गॉड फादर की महिमा ही अलग है और हेवनली प्रिंस की महिमा अलग है, दोनों की महिमा अलग है। परसों बाबा ने गीता के भगवान को लेकर एक बोर्ड पर गीता के भगवान की महिमा लिखो, एक के ऊपर, तो विभिन्न रीति से बाबा दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करने लिए कहते हैं। वह रचयिता वह रचना, तुम बच्चों को समझाने के लिए बाबा युक्ति से लिखते रहते हैं तो मनुष्य को अच्छी रीति समझ में आए। जिनको परमपिता परमात्मा कहते हैं वही पतित पावन है। वह बेहद का रचयिता है, रचेंगे भी जरूर स्वर्ग। सत्युग त्रेता को मनुष्य स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग और नरक आधा आधा है, सृष्टि भी बरोबर आधा आधा है, नई और पुरानी। उस जड़ जाड़ की आयु कोई फिक्स नहीं होती है, परंतु इस झाड़ की आयु, कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल फिक्स है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ की आयु पूरी एक्यूरेट है, ऐसे और कोई की होती नहीं। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वैरायटी झाड़ है, एक्यूरेट बना बनाया ड्रामा है। यह खेल चार भाग में बांटा हुआ है। जगन्नाथपुरी में हांडा चढ़ाते हैं, चार भाग की बात को लेकर बाबा को याद आता कि जगन्नाथपुरी में हांडा चढ़ाते हैं चावल का, उसमें चार भाग हो जाते हैं। यह सृष्टि भी चार भागों में बटी हुई है, इसमें एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। तुम जानते हो बाप ने 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, हूबहू वैसे ही समझा रहे हैं। निश्चय है, हम बच्चों को निश्चय है 5000 वर्ष बाद फिर हेवनली गॉड फादर स्वर्ग की स्थापना करने वाला
हमको स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कराने के लिए लायक बना रहे हैं। ये हमें निश्चय है। क्या निश्चय है? कि 5000 वर्ष के बाद हेवनली गॉड फादर आता है हमको स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कराने के लिए लायक बना रहे हैं। बाबा लायक बनाते हैं। रावण फिर न लायक बनाते हैं, जिससे भारत कौड़ी जैसा बन जाता है। बाबा ऐसा हमें लायक बनाते जो भारत हीरे जैसा बन जाता है। नंबरवार मर्तबे तो होते हैं ना, राजधानी स्थापन हो रही है तो बाबा कहे नंबरवार मर्तबे तो होते हैं ना। हर एक का अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है, हर एक का अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है। कोई पूछते हैं बाबा हम वारिस बनेंगे वा प्रजा, प्रजा में जाएंगे या वारिस बनेंगे, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं अपना कर्म बंधन देखो, अपना कर्म बंधन देखो। बहुत कोई ये बात है, कर्म बंधन से हमारी भविष्य की क्या स्टेज है उसको हम जान सकते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अलग अलग राय पूछो अपने लिए। बाबा बताएंगे तुम्हारे हिसाब किताब किस प्रकार के हैं, तुम क्या पद पा सकते हो। हिसाब किताब के आधार से बाबा बताते तुम क्या पद पा सकते हो। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, एक बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वह है उन्हों की प्रालब्ध। सो भी नंबरवार उन्होंने प्रालब्ध कैसे पाई, लक्ष्मी नारायण ने प्रालब्ध कैसे पाई, वह अभी तुम देख रहे हो कि कैसे बाबा जो श्रीमत देते उसके आधार से वो राजधानी में नंबर वन जाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं। अनेक ऐसे कल्प के संगम बीते हैं, बीतते चलेंगे। अनेक ऐसे कल्प है, बीते हैं, बीतते चलेंगे, उनका कोई अंत है नहीं। बुद्धि भी कहती है कि पतित पावन बाप आएंगे ही संगम पर, जबकि पतित राज्य का विनाश कराए पावन राज्य की स्थापना करनी है। इस संगम की ही महिमा है। सतयुग त्रेता के संगम पर कुछ भी होता नहीं है, वो संगम है लेकिन उस संगम पर कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ सिर्फ क्या होता है? सिर्फ बाबा कहे राजधानी ट्रांसफर होती है। राजाई सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में ट्रांसफर होती है। सतयुग त्रेता के संगम पर कुछ होता नहीं, बस सिर्फ राजाई की ट्रांसफर होती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य बदल राम सीता का राज्य होता है। कोई बहुत बड़ी
परिवर्तन हो जाए ऐसा महसूस नहीं होता है। बस यहां तो कितना हंगामा होता है, पूरी राजधानी एकदम पतित दुनिया से पावन दुनिया बन रही है, इसीलिए इस संगम का विशेष महत्व है। यहां तो कितना हंगामा होता है, बाप कहते हैं अब ये सारी पतित दुनिया खत्म होने वाली है, सबको जाना है। बाबा कहते हैं मैं सबका गाइड बनता हूं, दुख से लिबरेट कर सदैव के लिए सुख शांति धाम ले जाता हूं। बाबा आता ही है दुख धाम से लिबरेट करके सुख शांति धाम में ले जाने के लिए। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। इस समय मनुष्य कहते भी है मन को शांति कैसे मिले, क्या कहते हैं मन को शांति कैसे मिले, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि सुख कैसे मिले, शांति कैसे मिले, यही पूछते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि सुख मिले, शांति के लिए कहते हैं। सब शांति में ही जाने वाले हैं, फिर अपने अपने धर्म में आने वाले हैं। धर्म की वृद्धि तो होनी ही है, आधा कल्प है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी, फिर और धर्म आते हैं। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई नहीं है, अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई है नहीं, धर्म ही प्रायलोक हो जाता है, फिर स्थापना होती है, सैपलिंग लग रही है, बाप ये सैपलिंग लगाते हैं व फिर झाड़ों आदि की सैपलिंग लगाते हैं। ये सैपलिंग कैसा वंडरफुल है, कितना वंडरफुल सैपलिंग है। यह भी अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहेंगे, बाप समझाते हैं जब ऐसी हालात होती है तब मैं आता हूं। अब तुम बच्चों को मैं सब शास्त्र का राज समझाता हूं, बाबा कर क्या कहते हैं राज समझाते, सभी शास्त्र का निचोड़ समझाते। अब तुम जज करो कि कौन राइट है, रावण है ही रॉन्ग मत देने वाला, इसलिए अनराइटियस कहा जाता है। बाप है ही राइटियस, सच्चा बाबा सच ही बताएंगे। सच खंड के लिए सच्चा ज्ञान बताते हैं, बाकी यह वेद शास्त्र है भक्ति मार्ग के। कितने मनुष्य पढ़ते हैं, लाखों गीता पाठशालाएं अथवा वेद पाठशालाएं होंगी दुनिया में, कितनी गीता पाठशालाएं वेद पाठशालाएं होंगी, जन्म जन्मांतर से पढ़ते ही आते हैं। आखिर कोई तो एम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ये सब पढ़ने की कोई तो एम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। पाठशाला के लिए एम ऑब्जेक्ट चाहिए, शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं, दुनिया की पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट फिर भी शरीर निर्वाह है, शास्त्र को पढ़ने के एम ऑब्जेक्ट क्या है। एम ऑब्जेक्ट होती है जो कुछ पढ़ते हैं, शास्त्र सुनाते हैं तो शरीर निर्वाह चलता है, सुनाने वाले का
शरीर निर्वाह चलता है, लेकिन सुनने वाले किस लिए सुनते मालूम नहीं। बाकी ऐसे ऐसे नहीं मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, वह भगवान को पा लेते हैं, नहीं, मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी होते हैं तो समझते हैं, साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं बस भगवान को पा लिया, और इसमें ये खुश हो जाते हैं। साक्षात्कार हुआ, सोचते हैं भगवान को पा लिया और खुश हो जाते हैं। भगवान को तो जानते ही नहीं है, समझते हैं हनुमान गणेश सब में भगवान है, सर्वव्यापी का बुद्धि में बैठा हुआ है ना। बाबा ने समझाया है जो जिस भावना से जिसकी भक्ति करते हैं वह भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार करा देता। तो साक्षात्कार कराने वाला कौन? बाबा है। वह समझते हैं बस हमें भगवान ही मिल गया, खुश हो जाते हैं। भक्त माला है ही अलग और ज्ञान माला अलग है। इनको रुद्र माला कहा जाता है और वह है भगत माला, और भगत माला और यह है रुद्र माला। जिन्होंने जास्ती ज्ञान पाया उन्हों की माला है, और वह जास्ती भक्ति करने वालों की माला है। भक्ति के ही संस्कार ले जाते हैं तो फिर भक्ति में चले जाते हैं, वह संस्कार एक जन्म साथ चलते हैं, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी होंगे, नहीं, तुम्हारे तो ये संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। इस समय जो संस्कार जाएंगे फिर संस्कार अनुसार जाकर राजा रानी बनेंगे, इसीलिए बाबा ने पहले कहा कि वारिस बनेंगे या प्रजा बनेंगे कर्म बंधन से देखो। उस कर्म बंधन में क्या देखना है? संस्कार कौन से हैं, क्योंकि वही संस्कार ले जाएंगे, उसके आधार से प्रजा पद या राजा पद प्राप्त होगा। तो बाबा कहे भक्ति के ही संस्कार ले जाते तो फिर भक्ति में चले जाते हैं, वह संस्कार एक जन्म साथ चलते हैं, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी होंगे, नहीं, तुम्हारे तो ये संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। इस समय जो संस्कार जाएंगे फिर संस्कार अनुसार जाकर राजा रानी बनते हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। अभी तुम बीच में हो, बुद्धि वहां लटकी हुई है। बाबा कहे अभी तुम कहां हो? बीच में हो, बुद्धि वहां लटकी हुई है। बैठे भल हम यहां है परंतु बुद्धि योग वहां है। आत्मा को ज्ञान है कि अभी हम जा रहे हैं, बाबा को ही याद करते हैं। हमारी आत्मा पार हो रही है, इस शरीर को इस किनारे ही छोड़ देंगे, इस किनारे है पुराना शरीर और उस किनारे है क्या? हसीन। उस किनारे है हसीन शरीर,
सुंदर शरीर है। यह हुसैन का रथ है, हुसैन जिसको अकाल मूरत कहते हैं, उनका यह तख्त है। आत्मा तो अकाल है, आत्मा को गोल्डन सिल्वर में आना है। स्टेजेस है ना, बाबा तो है ऊंच ते ऊंच, वह स्टेजेस में नहीं आते हैं। बाबा गोल्डन सिल्वर स्टेजेस में नहीं आते हैं, आत्माएं स्टेजेस में आती हैं। गोल्डन एज वालों को फिर सिल्वर में आना पड़े। अभी तुमको आयरन एज से गोल्डन एज में ले जाते हैं, अपना परिचय देते हैं, अपना परिचय देते रहते हैं। उनको कहते भी है हेवनली गॉड फादर, उनका अलौकिक दिव्य जन्म है, बाबा का अलौकिक दिव्य जन्म है। खुद बतलाते हैं मैं कैसे प्रवेश करता, इसको जन्म नहीं कहेंगे। जब समय पूरा होता है तब भगवान को संकल्प उठता है, नई सृष्टि रचने का संकल्प उठता है कि जाकर रचना रचे। ड्रामा में उनका पार्ट है ना, परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के अधीन है। मेरा पार्ट ही है, बाबा का पार्ट ही है क्या? भक्ति का फल देना, परमपिता परमात्मा को सुख देने वाला ही कहा जाता है। अच्छा कर्तव्य करते हैं तो आधा कल्प के लिए उसका रिटर्न मिलता है। तुम सबसे अच्छा कर्तव्य करते हो, कौन सा कर्तव्य करते हैं सबसे अच्छा? सबको बाप का परिचय देते हो। अब देखो राखी का त्योहार आता है, अभी अगस्त में राखी का त्योहार आता है, तो इस पर भी समझाना पड़े। राखी है ही पतित को पावन बनने की प्रतिज्ञा के लिए, पतित को पावन बनने की प्रतिज्ञा के लिए, अपवित्र को पवित्र बनाने का रक्षाबंधन। तुमको पहले पहले परिचय देना है पतित पावन बाप का। जब तक वह न आए तब तक मनुष्य पावन बन नहीं सकते। बाप ही आकर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। जरूर कब हुआ है जो रसम रिवाज चली आई है, रसम रिवाज बाबा कहे चली आई है, क्योंकि वो कर्म हुआ है। अब प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांध पवित्र रहते हैं, जनेऊ कंगन आदि भी सब पवित्रता के निशाने हैं। पतित पावन बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, अब मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे। बाकी कोई कंगन आदि पहनना नहीं है, ये कंगन पहनने के लिए नहीं है, ये मन की बात है, प्रतिज्ञा करने की बात है। बाप कहते हैं प्रतिज्ञा करो, मुझे 5 विकार दान करो, ये राखी बंधन 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, पतित पावन बाप आया था, आकर राखी बांधी थी कि पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना हुई थी। अब तो नरक है, हम फिर से आए हैं, बाबा
फिर से आए, अब श्रीमत पर प्रतिज्ञा करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अभी पतित मत बनो, तुम भी कहो हम ब्राह्मण आए हैं प्रतिज्ञा कराने। राखी पर बाबा कहे तुम कहो हम ब्राह्मण आए हैं प्रतिज्ञा कराने। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे, परंतु ऐसे भी बहुत लिख कर खत्म हो गए। पतित पावन बाप आते ही है संगम पर। बाबा कहे कहीं ऐसे लिख करके खत्म हो गए। ब्रह्मा द्वारा आकर डायरेक्शन देते हैं बच्चों को कि पवित्र बनो, यहां सबने प्रतिज्ञा की है, तुम भी जज करो तब ही बाप से वर्षा मिलना है। वर्षे का आधार ही है पवित्रता की प्रतिज्ञा। तुम पवित्र ब्राह्मण बनो तो फिर देवता बन जाएंगे। हम ब्राह्मणों की प्रतिज्ञा की हुई है, एल्बम भी दिखाना चाहिए। बाबा कहे तुम दिखा सकते हो। ये राखी बंधन की रसम कब शुरू हुई थी? अभी संगम पर यह पवित्रता की प्रतिज्ञा की हुई है, जो फिर 21 जन्म तक पवित्र रहते हो। इस एक जन्म में प्रतिज्ञा करते 21 जन्म तक पवित्र रहते हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल पहले ही भाषण बनाना चाहिए, लिख देना चाहिए बाबा यह रस्म कब से शुरू हुई। 5000 वर्ष की बात है। कृष्ण जन्माष्टमी भी 5000 वर्ष की बात है। कृष्ण के चरित्र तो कुछ है नहीं, वह तो छोटा बच्चा है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है। चरित्र तो एक बाप के हैं जो चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। बलिहारी उस एक की ही है, और किसका बर्थडे मनाना कोई काम का नहीं है। बाबा क्या कहे, और किसका बर्थडे मनाना कोई काम का नहीं, एक बाप का ही बर्थडे मनाना है। हाँ, बस शिव बाबा का ही बर्थडे मनाना है। बर्थडे मनाना चाहिए एक परमपिता परमात्मा का, बस। बाबा कहे बस। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते।